दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया से होंगे। आज दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टोमक प्रॉब्लम के लिए। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, ये केवल स्पेशल फॉर चिल्ड्रन के लिए है, बच्चों के लिए है ये वीडियो। केवल जो उनको पेट में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या मतलब प्रॉब्लम होती है और उसकी क्या अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसी टॉपिक के ऊपर आज हमने वीडियो बनाई है। चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर शोभित चौधरी आपका इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आते हैं हम अपने टॉपिक पे, स्टोमक प्रॉब्लम पे। दोस्तों, मेरे पास बहुत टाइम से कमेंट बॉक्स पे मैसेज आ रहे थे कि सर, आप कुछ ऐसी वीडियो बनाओ जिससे हमारे बच्चों की जो स्टोमक प्रॉब्लम होती है उससे उनकी दिक्कतें ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, आज उन्हीं के लिए ये स्पेशल वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब बच्चों को स्टोमक प्रॉब्लम होती है तो उन्हें ज़्यादातर गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, डाइजेशन प्रॉब्लम उनका ख़राब हो जाता है, उनको इचिंग शुरू हो जाती है, या उनको भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है। और जब भूख लगती है तो बहुत तेज भूख लगती है, उनके अंदर इतना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, पेट में मरोड़ आना शुरू हो जाता है, मल द्वारा जलन होती है, बहुत ज़्यादा गैस बननी शुरू हो जाती है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, या जब भी आप उनसे कुछ बात करते हैं तो उनके अंदर इतना ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो आपसे कुछ बात नहीं करते रहते हैं, रात को सोते समय दांत कटकटाते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके बच्चे को है और अगर ऐसे लक्षण आपके मिलते हैं, तो जो आज इस वीडियो में मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगा, आप किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से लीजिए, तो जिससे आपकी बच्चों की प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, अब मैं जो इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ वो बड़े ध्यान से देखिए। वो मेडिसिन अगर आप 2 से 3 महीने रेगुलर खिलाएंगे तो वो प्रॉब्लम आपके बच्चों की जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसमें जो सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है आपकी वर्मोरेड। दोस्तों, ये वर्मोरेड SBL कंपनी की आती है, 30 ml ड्रॉप में आती है। इसमें भी कुछ अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके वजह से मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ। जो इसमें पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है आपकी सिना। दोस्तों, जो सिना है, जैसे आपके बच्चों के पेट में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता हो या दांत कटकटाते हो, तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, जैसे उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इचिंग होती हो तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है, या बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो, उनको पोटी ठीक तरीके से नहीं आती, या उनके पोटी के थ्रू मल आता हो, उसमें जलन होती हो, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। इसमें जो दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन मिक्स है दोस्तों, वो है आपकी सेवाडीला। दोस्तों, सेवाडीला, इसमें जैसे आपको बहुत ज़्यादा पेट में गैस बनती हो या जलन होती हो या कॉन्स्टिपेशन की बीमारी होती हो या उनको भूख बिल्कुल भी नहीं लगती हो, है, और लगती हो तो बहुत ज़्यादा तेज लगती हो, या दोस्तों इसमें दो तरह के होते हैं, या तो भूख इसमें नहीं लगती, या भूख लगती तो बहुत तेज लगती है, या छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो पेट में हो जाते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करती है आपकी सेवाडीला। अब जो इसमें तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन मिक्स है वो है चिलोइन ग्लैबरा। दोस्तों, जो चिलोइन ग्लैबरा, जैसे आपके बच्चों के पेट की आंतों में सूजन आ जाती है, उनका डाइजेशन प्रॉब्लम बिल्कुल वीक हो जाता है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करेगी। इसकी आपको 20-20 बूंदे सुबह दोपहर शाम 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार पिलानी है। दोस्तों, अगर दोस्तों आप इस मेडिसिन को देते हैं तो आपके बच्चे की आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। अब इसके साथ जो दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है कोलरासाल। दोस्तों, ये कोलरासाल, ये जो है, ये जिस पर काम करती है, जैसे पेट में दर्द हो जाता हो या गैस की प्रॉब्लम हो जाती हो या भूख बिल्कुल भी नहीं लगती हो, रात को दांत कटकटाता हो, इसमें या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता हो, आप बच्चों को संभाल नहीं पाते हो, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, या पेट में बहुत तेज मरोड़ आ जाता हो, या पेट में दर्द हो जाता हो, या पोटी के थ्रू मल आता हो, उस मल में भी जलन होती हो, तो दोस्तों अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके बच्चे के साथ है तो आप इस मेडिसिन को जरूर लीजिए। जो दोस्तों मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, इसी कॉम्बिनेशन को आप यूज़ कीजिए तो आपके बच्चे की प्रॉब्लम 2 से 3 महीने के अंदर जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें भी कुछ अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिससे मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे ये प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म होगी। अब इसमें जो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है कैम्फर। दोस्तों, कैम्फर बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है केवल बच्चों के लिए।
जैसे उनके बहुत ज़्यादा पेट में तेज़ दर्द होता हो, या जैसे वो कुछ खाते हो उनका पेट में भारीपन हो जाता हो, उनको वॉमिटिंग का महसूस होता हो, तो उसमें बहुत अच्छा काम करेगी मेरे दोस्तों। सही ना दोस्तों। अब दूसरी इसमें जो होम्योपैथिक मेडिसिन मिक्स है वो है आपकी थाइलेमोलम। दोस्तों थाइलेमोलम जैसे आपके पेट में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती हो, या उनको उल्टी होने का महसूस होता हो, भूख नहीं लगती हो, या पेट में मरोड़ आता हो, या जैसा हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे आपके पेट में कीड़े पड़ जाते हो बच्चे के, या दांत रात को सोते समय बहुत ज़्यादा दांत कड़कड़ाता हो, तो उसमें थाइलेमोलम बहुत अच्छा काम करेगी मेरे दोस्तों। और जो इसमें तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन मिक्स है वो है मेंथोलोनम, जिसे हम बोलते हैं मेंथोल। दोस्तों ये मेंथोलोनम जो है, जैसे बच्चों को चक्कर आते हो, या उनको उल्टी होने का महसूस होता हो, या हर टाइम रोता रहता हो, या उनको उल्टी हो महसूस होता हो, उन्हें कुछ भी खाना हजम नहीं होता, उनका डाइजेशन प्रॉब्लम बिल्कुल वीक हो जाता हो, तो उसमें बहुत अच्छा काम करेगी मेरे दोस्तों। तो दोस्तों ये जो दो होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने आपको बताई है, ये दो होम्योपैथिक मेडिसिन किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से लीजिए। अगर आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से लेंगे तो ये आपके बच्चे की प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म कर देगी। पर ये हमेशा याद रखना, हर बॉडी के अलग सिम्टम्स होते हैं। अगर आपके घर के पास कोई होम्योपैथिक डॉक्टर हो, पहले उनसे सलाह लीजिए, फिर आप इन होम्योपैथिक मेडिसिन को आप दे सकते हैं। अगर आप उनसे भी सलाह नहीं ले पाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मेरा इसमें नंबर लिखा हुआ है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपकी बहुत जल्दी सहायता करने की कोशिश करूँगा मेरे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इस आप जो मैंने आपको ये कॉम्बिनेशन बताया है, इस कॉम्बिनेशन को जरूर लीजिए कम से कम 2 से 3 महीना, और थोड़ा सा तला हुआ गरम मसाला खटाई वटाई का परहेज कराइए, कोई चॉकलेट कोई चिप्स ना खिलाएं बच्चों को। अगर आपने ये काम 2 से 3 महीने के अंदर कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके बच्चों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद मेरे दोस्तों।